हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बहुत सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले अपना डायलर ओपन कर लेना है। डायलर ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग आने के बाद यहाँ आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है कॉलर आईडी एंड स्पैम, इसमें आपके दो ऑप्शन हैं। तीसरा ऑप्शन इन्हें भी आप इसे ऑन कर सकते हैं, जो कि आपकी ट्रू कॉलर की तरह काम करता है। जैसे उसमें आपको यहाँ जब कोई कॉल आती है तो आपको दिखा देता है यहाँ से इस व्यक्ति की कॉल आ रही है, इसी तरह ये भी काम करता है आपके लिए। यहाँ से आप चाहें तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लॉक नंबर। ब्लॉक नंबर पर जाने के बाद अननोन नंबर की कॉल हमने पहले से ब्लॉक कर सकते हैं, अगर आपको ब्लॉक करनी है तो अननोन नंबर की कॉल यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसे आपको ऑफ करना है तो यहाँ से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। प्राइवेट नंबर की कॉल ब्लॉक करनी है तो ऐड ए फोन नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आपने जिसकी भी कॉल ब्लॉक करनी है सिंपली आपको वो नंबर डाल देना है और उसकी आपको यहाँ से कॉल ब्लॉक कर देनी है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर कॉल ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को समझ में आई हो तो लाइक करें। सबसे इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट। कॉलिंग अकाउंट पे जाएंगे। कॉलिंग अकाउंट में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग और कॉल वेटिंग, जिसकी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कैसे कॉल फॉरवर्ड करनी है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है इनकमिंग कॉल सेटिंग, सिंपली आपको इस पर आ जाना है। इनकमिंग कॉल सेटिंग पर आने के बाद मिल जाते हैं कॉल रिंगर एंड व्हेन लेफ्टेड, इसे आपको ऑन कर देना है। इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम, जो आपकी कॉल आती है तो वॉल्यूम हल्के हल्के स्लोली स्लोली बढ़ जाता है आपका। फ्लैश बिंग लाइट वैसे भी आप ऑन कर सकते हैं, जैसे आपकी फोन में कॉल आती है तो आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करने लगती है। यहाँ से आप बैक आ जाती है। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर आता है ऑटो आंसर। ऑटो आंसर अगर आपको इनेबल करना हो तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर दें, 3 सेकंड बाद आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाती है। ऑलवेज पे कर सकते हैं, हैंडसेट पे, ब्लूटूथ पे, और हैंडसेट और ब्लूटूथ जिस पे भी आपको करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसे ऑफ कर देते हैं, अगर आपको जरूरत हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में आ जाएंगे। एडवांस सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दो मिल जाते हैं। मिस कॉल रिमाइंडर मिल जाता है, जिसे आप यहाँ से अपने 1 मिनट टाइम टू जो भी आपको टाइम सेट कर सकता है उसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम 1 टाइम सेट कर देती हैं। वाइब्रेट बैंक का आंसर, यहाँ से लाइट नॉर्मल जो भी आपको चाहिए तो यहाँ से आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, तो हम इसे लाइट पर कर देती हैं। कॉल वेटिंग है, इनवेट नोटिफिकेशन, कॉल वेटिंग जाती है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो यहाँ से आप मिल जाती है नोटिफिकेशन पे। प्लेट ऑन मिलेगी एंड आपको वाइब्रेशन भी चाहिए तो सिंपली आप इसे ऑन कर देंगे। क्विक रिस्पॉन्स जो कि हमने अपना ऑन कर रखा है, जैसे आपको किसी भी वहीं कहीं बाइक पे कार पे जा रहे हो, आपको कोई कॉल आ रही है और आपसे रिसीव नहीं कर पा रहे तो इनमें से आप कोई भी मैसेज आपसे रिप्लाई में भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ से बैक आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन नंबर जाता है कॉल रिकॉर्डिंग। अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ से जाकर अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो नंबर नाम आपके फ़ोन में सेव नहीं है तो उसकी यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप अपनी कॉन्टैक्ट कैसे शो कराना चाहते हैं, फर्स्ट नेम से, लास्ट नेम से, तो आप यहाँ से शो करा सकते हैं। नेम फॉर्मेट पर जाएंगे, फर्स्ट नेम मिल जाते हैं आपको और सर नेम से, जैसे भी आपको कॉन्टैक्ट शो कराएं तो आप यहाँ से इसे शो करा सकते हैं। उसके बाद नियर बाई प्लेसेस मिल जाते हैं, जिसे आप यहाँ से ऑन कर देंगे ताकि आपको जो लोकेशन वगैरह रहती है वो आपकी पता लगती है कि आप उस टाइम कहाँ आए हैं, वो लोकेशन आपकी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक कर देते हैं। नहीं आप उसका ऑप्शन डाल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इसमें आ जाएंगे, इसमें आपके सारे साउंड देखने के लिए मिल जाते हैं, जो भी आपको कस्टमाइज करनी है सारे साउंड आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आ जाना है, वॉइस मेल को यहाँ से भेज सकते हैं आपको, एंड नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको कॉल आती है तो अपनी कॉल जैसे फोन को फ्लिप कर देते हैं तो आपकी कॉल साइलेंट हो जाती है, इसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।